ड्रीम इलेवन पर अगर आप भी चाहते हैं कि 2 करोड़ रुपया विन करें, तो आखिर कैसे विन करेंगे, क्या फॉर्मूला है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अचूक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आज तक कोई आपको नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फालतू हो जाएगा, क्योंकि ड्रीम इलेवन पर अगर आपको जीतना है तो यूनिक टीम बनाना पड़ेगा। लेकिन यूनिक टीम कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मूला है, सारा कुछ जानने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके और आपके वीडियो से मुझे एक मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं और सीधा सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो जैसा कि यहाँ पे ड्रीम इलेवन में हमने ओपन किया हुआ, अब यहाँ पे बहुत सारा मैचेस चलते रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आखिर हमें ड्रीम इलेवन टीम में किस तरीका से टीम बनाना होता है, तो उसी को हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम रेंडमली किसी भी एक मैच को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद टीम किस तरीका से बनाया जाता है, कौन प्लेयर को अपनी टीम में लेना है, कैसे लेना है, सारा कुछ जानेंगे। पहले तो हमें क्रिएट टीम पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन, 4 सेक्शन होते हैं। चारों सेक्शन से आपको कुल 22 खिलाड़ी होता है, उसमें से आपको परफेक्ट 11 चुनना होता है। कैसे चुनेंगे वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहला बात कि किसी भी प्लेयर को सिलेक्शन करने से पहले आपको ड्रीम इलेवन टीम में वैसा काम करना है जो कोई नहीं करता है। आपको क्या करना है, पहले आपको 2 से 3 ऐसे खिलाड़ी होगा जिसको ड्रॉप करना है। कैसे करेंगे वो चीज समझेंगे। तो कैसे करना है वो चीज समझने से पहले ये चीज हम नोटिस करेंगे कि मैच अगर खेला गया तो कितना कितना मैच खेला गया है, ठीक है। जैसे आपको एक मैच से अंदाजा नहीं मिलेगा, 2 मैच से नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कम से कम अगर मान के चलिए IPL हो रहा है, CPL हो रहा है, BPL हो रहा है, तो आपको 2-4-5 मैच के बाद आपको पता चलेगा कि किस टीम का खिलाड़ी को हमें अपनी टीम में लेना होता है, ठीक है, और किसे ड्रॉप करना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज करते हैं टीम सैफर्ट, आखिर 72% सिलेक्शन है इसका, तो आखिर क्यों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये बंदा भी फिलहाल फ्लॉप चल रहा है, लेकिन इसको जानता है कि हर एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, तो इसलिए सभी लोग इसको ले रहे हैं अपने टीम में, ठीक है। अब यहाँ पे शहबाज अहमद का बात कर ले, तो शहबाज अहमद का देखिए ये बंदा फ्लॉप चल रहा है, ठीक है। ड्रीम इलेवन टीम में आपको वैसा खिलाड़ी को रखना है, 5 से 6 खिलाड़ी आपको ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब 5 से 6, ठीक है। तो 5 से 6 खिलाड़ी आपको ऐसा होना चाहिए जो कॉमन रहे सभी का टीम में हो, ठीक है। तो चलिए पहले कॉमन प्लेयर्स को देख लेते हैं। तो जैसे जे रॉय, पोलार्ड, रॉयली रूसो, उसके बाद आगे आते ऑलराउंडर सेक्शन में देख लेते हैं, एस केल, शोएब मलिक, उसके बाद देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से आली, उसके बाद आ गया आपका अहमद, उसके बाद देख लीजिए ये हसनैन है, इनको रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 खिलाड़ी ऐसा आपको देखना होगा जिसको मतलब कि खिलाड़ी तो बढ़िया है लेकिन सभी लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, ये चीज़ समझिए। जैसे मैं और ये जो सैफर्ट है, एस सैफर्ट, इसको आखिर 25% सिलेक्शन क्यों है, जबकि ये ऑलराउंडर है, हालांकि इसको इग्नोर कर रहे हैं तो एक अलग मैटर है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ऐसे खिलाड़ी होंगे जिसको बहुत लोग इग्नोर करते होंगे, जैसे शहबाज अहमद, कौन नहीं जानता इस खिलाड़ी के बारे में, ठीक है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर कर रहा, आप इसको अपने टीम में लेके चलिएगा। उसके बाद अब यहाँ से बात करते हैं कि एक खिलाड़ी आई खान को देख लेते हैं, क्या हिसाब किताब है भाई,
देखिए इनका 3% सिलेक्शन था, उस समय 43 पॉइंट दिए थे, और इस मैच में देखिए 3% सिलेक्शन अभी भी है। तो ऐसा खिलाड़ी को आपको एक से दो आपको लेना ही पड़े, क्योंकि ये जो है इनको आपको लेना होगा। डी पुली जो है, क्योंकि ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, जब यहाँ पर देखिएगा तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए 36 पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट मैच खेले हैं मैच, बाकी सब में नहीं खेले थे। तो यहाँ से आपको टोटल 11 खिलाड़ी हो गया। अब इसमें से आपको ये चीज देखना होगा कि किसको ड्रॉप करिएगा तो कि आपका बेहतर टीम बनने वाला। देखिए यहाँ शकील का देख लेते हैं, शकील जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ देखिए, तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले नहीं सकते हैं, क्योंकि कारण ये है कि इसमें सभी बेहतरीन एक से एक खिलाड़ी है। लेकिन आपको बता दें कि अगर ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहे हैं तो ड्रॉप उसको करना है जो खिलाड़ी 100+ पॉइंट दो देता है। अगर ड्रीम इलेवन टीम में उसको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, या फिर वैसा खिलाड़ी जिसका परफॉर्मेंस एक मैच, दो मैच, तीन मैच में लगातार आपको मतलब 50+ पॉइंट दे रहा हो, तो उसको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ, एक वैसा खिलाड़ी अपने टीम में जरूर से जरूर रखिएगा जो ड्रीम इलेवन टीम में डेब्यू कर रहा हो, मैच में डेब्यू कर रहा हो, या फिर वैसा खिलाड़ी जो अच्छा खिलाड़ी है लेकिन कुछ कारण से परफॉर्मेंस उसका खराब था, टीम मैनेजमेंट ने उसे बाहर बैठाया, फिर से उसे टीम में लाया गया। तो ये सभी चीज नोटिस करके उसको अपने टीम में रखना है, साथ ही साथ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी उसको बनाना होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीका से आप टीम बनाते हैं तो मेरा दावा है कि आपका टीम अच्छा खासा रैंक लाने वाला है, ठीक है। और बात रह गया यहाँ पर कि सीबीसी का सिलेक्शन, तो सीबीसी अगर मेगा जीएल खेल रहे हैं तो उसमें आपको रिस्क लेके जाना होगा। जैसे 10% से कम वाले को आप कैप्टन बना दीजिए, ठीक है। वाइस कैप्टन बनाना है तो 10% से ऊपर वाले का, और 40% से नीचे वाले को बनाना है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिए, 40% से नीचे वाले को वाइस कैप्टन कीजिएगा, ठीक है। और 20% से ऊपर, 20% से ऊपर और 40% से नीचे को वाइस कैप्टन बनाना है आपको, ठीक है। इसको वीसी कह सकते हैं। तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा। उम्मीद करते हैं भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के ला दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।